सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने का तरीका, बेहतरीन तरीका, स्पेशल सब्जी, ध्यान से सुनना और आज जाके हो सके तो बनाना। अगर स्वाद लगे कल तो पूरी सभा में आके बताना, अगर ना स्वाद लगे तो मेरे को बताना। तो सब्जी कैसे बनानी है, दो तरह की मौसम की सब्जियां लीजिए। आज मान लीजिए हम कौन सी सब्जी बनाएंगे, कौन कौन सी सब्जी इधर आ रही है, गाजर आ रही है, ओके, पत्ता गोभी आ रही है, ओके, गाजर पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बनाएंगे। तो गाजर और पत्ता गोभी को पानी में डाल दीजिए घंटे दो घंटे के लिए, जितना समय हो उस हिसाब से अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद काट लीजिए छिलके सहित, गाजर को छिलके सहित। किसी भी सब्जी को काटने के बाद नहीं धोना, सब्जी धुल चुकी है उसके बाद अगर मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाएं तो सबसे बढ़िया। मिट्टी के बर्तन नहीं रख सकते तो कांसे का बर्तन, कांसे का नहीं रख सकते पित्तल का नहीं रख सकते तो लोहे का नहीं रख सकते तो स्टील का, एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल यूज नहीं करना आग पे रखने के लिए। स्टील के प्रेशर कुकर में सब्जी को डाला मान लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और एक सीटी लगा दीजिए। एक सीटी लगने के बाद कुछ पानी सब्जी छोड़ जाएगी, सब्जी को कुकर में पड़ी रहने देना, पानी को अलग कर लेना, उस पानी को मिक्सी के जार में डाल लेना। मिक्सी के जार में हमने डाला नंबर एक गर्म पानी, नंबर दो उसके अंदर देसी टमाटर डालेंगे, कितने कि सब्जी का रंग शाही पनीर जैसा होना चाहिए। उसके अंदर कच्चे नारियल की गिरी डालेंगे, कितनी कि सब्जी का स्वाद मलाई कोफ्ते जैसा होना चाहिए, ये डाल लीजिए। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, नमक सेंधा होना चाहिए, बाजार का जो आम नमक है वो नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आयोडीन बहुत ज़्यादा है, थायराइड हो जाता है, इस नमक की वजह से मेरी बहनों को ज़्यादा थायराइड होता है, और भी कारण है, ये भी एक कारण है। चौथी चीज़ मैंने नमक डाली, टोटल सात चीज़ें करनी हैं पूरी। पाँचवा हरी मिर्च डालिए, छठा भुना हुआ जीरा डालिए और सातवां कड़ी पत्ता डालिए। जब सात चीज़ें हो जाएं मिक्सी को चला दीजिए, आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, इसको पिसने के बाद तरी तैयार हो जाएगी। पानी जैसी पतली नहीं होनी चाहिए, पतली है तो पानी ज़्यादा डाला है, आगे के लिए समझ जाएं। उस तरी को दो सब्जियां जो गर्म करके रखी थी उनके साथ मिला दीजिए। अगर सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं, कोई काम में और लग गए बीच में, तो सब्जियों को दोबारा गर्म कर सकते हैं, ग्रेवी तरी को दोबारा गर्म नहीं कर सकते। उन दोनों को मिक्स कर लीजिए, उसके साथ हरा धनिया पत्ता मिला लीजिए, फिर उस सब्जी को खाइए, मेहमान को खिलाइए, छोटे बच्चों को खिलाइए, मगर किसी को ये मत बताइए कि ये उबली हुई सब्जी है। उबली हुई सब्जी का नाम बदनाम है। आप बताइए कि बहुत बढ़िया रेसिपी किसी ने बताई है, ये सब्जी खा के देखिए, तो आपका मेहमान पूछेगा मेरे को बताओ ये कैसे बनाई, और सेहत के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने इसको छौंक नहीं लगाया। छौंक लगाने के बाद सब्जी एसिडिक हो जाती है, ये कच्चे नारियल की गिरी को हमने आग पे नहीं पकाया, आग के पकाने के बाद इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वापस आ जाता है, इसके अंदर दिक्कत आ जाती है, हम इसको आग पे नहीं पकाते हैं। बहुत बेहतरीन सब्जी है। दिल्ली के अंदर एक कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर इस सब्जी को बताने का 500 रुपया फीस कर लेता है। तो इस सब्जी को खाइए और रोटी को खाइए, इसमें पूरी साइंस है। हम जो रोटियां खा रहे हैं, अनाज जो खा रहे हैं, शुगर के मरीज का अंदर जाके ग्लूकोस में कन्वर्ट होता है। जब वो मेथी वाली रोटी खाएगा उसकी गिनती तो दो रोटियां ही रहेगी, अनाज एक रोटी का अंदर जाएगा। इस तरह की रोटी सब्जी आप दोपहर को खाएं,